Good morning, friends. Myself, Ajay Agrawal, director of JBM Event and Company, as a wedding planner. मैं यहाँ कोच फॉर लाइफ से जो आज मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आज हम बात करेंगे डर की. डर यानी फियर. डर क्या है? हम जब अपने किसी गोल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उसमें जो हमें रुकावट आती है उसे हम डर कहते हैं. डर दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक. वास्तविक डर सिर्फ और सिर्फ मौत का डर है. आपने दिल्ली के चिड़ियाघर की कहानी सुनी होगी, यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा. एक आदमी चिड़ियाघर में गिर जाता है और उसे उसके सामने वो शेर आ जाता है. उस समय जो उस आदमी के मन में डर था वो वास्तविक डर है. मौत के डर के अलावा जिंदगी में सारे डर अवास्तविक हैं. अवास्तविक डर की बात करें तो जैसे संबंध टूटने का डर, रिजेक्शन का डर, असफलता का डर, ये सब जितने भी डर हैं ये सब अवास्तविक डर है. सबके सामने बोलने का डर, पब्लिक स्पीकिंग, ये भी एक डर है. तो जो मैंने आपको चार डर बताए हैं, संबंध टूटने का डर, सबके सामने बोलने का डर, अनिश्चितता का डर और असफलता का डर, ये चारों डर जो हैं ये अवास्तविक हैं. संबंध टूटने का डर, संबंध टूटने का डर जितना आपको है उतना सामने वाले को भी है. हम ये सोचते हैं कि हम ये इस संबंध की जरूरत हमें है इसलिए संबंध टूट जाएगा, पर ये इतनी जरूरत सामने वाले को भी है. हमें बात को मानना होगा तो ये डर हमारा खत्म हो जाएगा. सबके सामने बोलने का डर, सबके सामने बोलने का डर में आपको दो बात ध्यान रखनी पड़ेगी. जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बोलने वाले हैं उनसे भी गलतियां होती हैं, तो आपको अधिक से अधिक बार इसका प्रयास करना है तो ये डर आपका निकल जाएगा. तीसरा, फियर ऑफ रिजेक्शन. इस चीज को आपको ये सोचकर निकालना है कि बुरे से बुरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे. जब ये डर आपके दिमाग से निकल जाएगा तो फियर ऑफ रिजेक्शन आपका अपने आप खत्म हो जाएगा. और चौथा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, असफल होने का डर. असफल होने के डर में आपको ये सोचना होगा कि मैं क्या एक बड़ा गेम खेलूं. जब आप कोई बड़ी गेम खेलते हैं तो सोचिए इसमें कितना परसेंटेज का डर है, उसके बाद इसमें बुरे से बुरा क्या होगा, और अगर मैं इसमें असफल हो गया तो क्या हो सकता है यह सोचकर, और अगर असफल हो नहीं हूं इसके लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, ये सारी प्लानिंग कीजिए और अपने मन से डर को दिमाग निकाल दीजिए, क्योंकि सभी डर अवास्तविक हैं. जय हिंद, जय भारत.